जो कि आज हम शायद उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, आज एज ए टीचर हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज से 150-200 साल बाद ऐसी कंडीशन आएगी कि बच्चे जानेंगे ही नहीं कि स्कूल क्या होता है। तो इस स्टोरी की दो मेन बातें आपको बता दें कि द राइटर ट्राइज टू गिव एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ स्कूल्स चिल्ड्रन हैव इन द फ्यूचर, ठीक है। दूसरा कह रहा है ही गिव This idea through the story of two little children, Margie and Tommy. तो अपनी इस कहानी को बताने के लिए वो दो बच्चों को लेते हैं, जिसमें एक मार्गी है और एक उसका पड़ोसी है जिसका नाम है टॉमी। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि स्कूल इन फ्यूचर जहाँ पे कंप्यूटर्स होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे, वर्चुअल क्लासरूम होगा, ई टेक्स होगा, और ये कब के लिए कहा गया है, इन द ईयर ऑफ 2157। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पे जो मार्गी है, she was 11 years old and Tommy, he was 13 years old. Here the story begins with the diary entry of Margie and the date she put on her diary was 17th May 2157. इसमें तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो मार्गी के डायरी एंट्री से होती है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा जो मार्गी है, सी वॉज अ गर्ल ऑफ 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी ही वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी उस रात अपनी डायरी में एक एंट्री करती है एंड व्हाट सी रोट ऑन हर डायरी, दैट वॉज 17th May 2157, आई फाउंड अ रियल टेक्स्ट बुक। बड़े आश्चर्य की बात है, हम जो किताबें पढ़ते हैं, मार्गी ने ये बात लिखी कि उसने आज पहली बार एक रियल किताब देखी जिसके पन्ने पीले थे, जो थोड़ा रिंकल्ड हो गया था, क्योंकि जब किताबें जो होती हैं पेपर के बने होते हैं वो पुराने हो जाते हैं तो पीले हो जाते हैं, थोड़े से फट भी जाते हैं, सॉफ्टनेस आ जाती है। तो मार्गी को ये किताब उसके पड़ोस में रहने वाले फ्रेंड टॉमी को मिला था, जो कि टॉमी को उसके घर के एटिक, एटिक क्या होता है, सीढ़ियों के नीचे खाली जगह होती है, तो उस जगह को एक स्टोर रूम के रूप में यूज किया जाता है, कभी कभी छोटे बच्चों को रहने के लिए भी वो जगह इस्तेमाल की जाती है। तो टॉमी को वो किताब वहाँ पे मिली थी और उसने ये बात बताई भी थी कि जो उसके दादा थे, टॉमी के दादा को उसके दादा ने ये बात बताई थी कि जब वो छोटे हुआ करते थे तो उनको किताबें पढ़ने को मिलती थी। तो मार्गी को ना ये बात पे भरोसा नहीं होता कि कोई ऐसा समय भी हो सकता है जब लोगों ने किताब जो है प्रिंटेड किताब पढ़ी होगी, क्योंकि मार्गी ने जब से होश संभाला है उसने कंप्यूटर, जैसे कि मैकेनिकल टीचर इनकी भाषा में कहा जाता है, उसने हमेशा अपनी पढ़ाई मैकेनिकल टीचर से की है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। उसमें जो डेटा होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो इस हिसाब से होता है कि हर एज के अकॉर्डिंग वो अब बच्चों को पढ़ाएं। तो मार्गी को जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब टॉमी ने उसे ये बात बताई, तो उसने कहा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्कूल जो है वो वर्चुअल होते हैं और वो उसे स्कूल कभी भी पसंद नहीं रहा है। तो मार्गी को जैसा कि स्कूल का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं था, क्योंकि वो जो स्कूल देखती आ रही थी उसे उस स्कूल से नफरत था, लेकिन टॉमी उसे बताता है कि वो वैसा स्कूल नहीं है जैसा कि वो सोचती है, ये स्कूल आज के स्कूल से बहुत डिफरेंट है। और अगर मार्गी को उस बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसे ले जा सकता है। तो मार्गी कहती है नहीं नहीं, मैं भी साथ में पढ़ूंगी। फिर दोनों उन किताबों के पन्नों को पलटते हैं और जो उस पर लेटर्स लिखे होते हैं उनके लिए वो बहुत फनी होता है। फनी क्यों होता है, क्योंकि जब वो कंप्यूटर पर पढ़ते हैं तो उनकी स्क्रीन पे स्क्रॉल होता रहता है वर्ड्स और वो भागता रहता है, लेकिन वो बार बार जितनी बार भी पेजेस को टर्न करते हैं वो जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो एज इट इज रहते हैं। तो मार्गी को ये बात बहुत अटपटी लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी
पीछे से उनकी मम्मी यानी कि मार्गी की मम्मी आती है और कहती है, मार्गी अब तुम्हारे क्लास का टाइम हो गया, तुम्हें चलना चाहिए। और टॉमी को भी कहती है कि टॉमी मेरे ख्याल से शायद तुम्हारे भी क्लास का टाइम हो गया, तो तुम भी अपने क्लास के लिए चले जाओ। टॉमी उठता है, किताब को अपनी बाहों में दबाता है और सीटी बजाते हुए चला जाता है। अब सोचने वाली बात है कि मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों है, क्योंकि मार्गी ने कभी ऐसा स्कूल देखा ही नहीं, क्योंकि जो उसका स्कूल है उसके बेडरूम के जस्ट बगल में जो एक कमरा है वहाँ पर उसका क्लासरूम सेटअप किया गया है। उस क्लासरूम में उसका एक कंप्यूटर स्क्रीन रखा है जिसे वो मैकेनिकल टीचर कहती हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, उसके उस मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उनकी माँ ने उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया हुआ है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, जो उस मैकेनिकल टीचर में आए हुए फॉल्ट को सही करेगा। जैसे ही वो आते हैं वो मार्गी को देखकर स्माइल करते हैं और उसे एक एप्पल खाने को देते हैं और वो कहते हैं कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं अभी जल्दी से ठीक कर देता हूँ। लेकिन मार्गी चाहती है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उसे अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता। वो चाहती है कि ये उसी तरह बिगड़ जाए जैसे कि एक लास्ट टाइम उसके फ्रेंड का बिगड़ा हुआ था और उसे बनने में उसे एक महीने का समय लगा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्गी की खुशी ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती, क्योंकि जो मिस्टर इंस्पेक्टर थे वो एक घंटे के अंदर उसके मैकेनिकल टीचर को सही कर देते हैं और उसकी मम्मी से बताते हैं कि जो आप मार्गी के परफॉर्मेंस को लेकर डिस्टर्ब थी कि वो जियोग्राफी में अच्छा नहीं कर रही है, तो दैट वॉज नॉट हर फॉल्ट, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ हर मैकेनिकल टीचर। तो मार्गी की मम्मा ने पूछा ऐसा कैसे, तो उन्होंने कहा जो मार्गी का एज है वो 10 to 11 के ग्रुप में आता है तो, और जो जियोग्राफी का सेटअप हुआ था वो उससे अबव एज का हो गया था, इस वजह से जो आंसर्स थे वो मार्गी के आईक्यू से मैच नहीं कर रहे थे, तो इसलिए मार्गी का जो नंबर है वो कम आ रहा था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर वो सही करके चले जाते हैं और जाते जाते मार्गी को एक प्यार से थपकी देकर जाते हैं। अब मार्गी ना चाहते हुए भी उसे पढ़ना होता है, क्योंकि उसकी मम्मा ने मार्गी के लिए सेटअप लगा रखा था। केवल सैटरडे और संडे ही ऐसा दिन होता था जहाँ पे शायद मार्गी को पढ़ना नहीं होता था, बाकी सारे दिन उसको एक रेगुलर टाइम पे डेफिनेट टाइम के लिए पढ़ना होता था। क्योंकि मार्गी की मम्मी का ये मानना था कि जो छोटे बच्चे हैं अगर वो रेगुलर और फिक्स टाइम तक पढ़ें तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे, पढ़ने में अच्छे होंगे। फिर मार्गी को मन मार के पढ़ने बैठना होता अपने स्क्रीन पे, तो जैसे ही वो अपने स्क्रीन पे बैठती है वो स्क्रीन चालू रहता है और उसका मैकेनिकल टीचर उसको एक दिए हुए स्लॉट में जो होमवर्क होता है उसको इंसर्ट करने के लिए कहता है। तो जैसा कि आपको बताया कि जो मार्गी है वो अभी भी इस बात को सोच के बहुत कन्फ्यूज थी कि रियल स्कूल हो सकता है, तो वो टॉमी से इस बात पे डिस्कस भी करती है कि स्कूल कैसा स्कूल। तो टॉमी जो है वो मार्गी को ये बताता है कि तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा स्कूल बिल्कुल नहीं। तो मार्गी कही मैं तो स्कूल वही जानती हूँ जो मेरे क्लास मतलब कम घर में होता है। तो वो बताता है नहीं, स्कूल के लिए एक अलग बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पे टीचर पर्सनली आके पढ़ाते थे हर एक बच्चे को, हर एक एज ग्रुप के बच्चों का एक अलग क्लासरूम होता था, वो साथ में स्कूल में आते थे, साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे और छुट्टी के बाद वापस घर को साथ में जाते थे। तो मार्गी कहती है मैं तो कभी भी किसी अजनबी से पढ़ना पसंद नहीं करूँगी अपने घर में। तो उसकी इस बात को सुन के जो टॉमी है ना वो बहुत हंसने लगता है, वो कहता है कि ना वो टीचर हमारे घर नहीं आते, वो स्कूल में होते हैं। तो मार्गी को ये सारी बातें ना बहुत अजीब लगती, फिर वो सोचने लगती है कि क्या ऐसा भी होता है, जहाँ पे सब एक साथ मिलके पढ़ते हों, एक साथ आते हों, एक साथ जाते हों, और कितना मज़ा आता होगा, द फन दे हैड रियली इन द स्कूल। ये बात सोच के वो बहुत खुश भी होती है और इस बात को लेकर दुखी होती है कि उनके लिए ऐसा कोई स्कूल क्यों नहीं बनाया गया है। दैट्स ऑल।